आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 24वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये मुकाबला 17 अप्रैल को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बेंगलोर की टीम 10 मुकाबलों में जीती है, वहीं 19 मुकाबलों में चेन्नई ने जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग हमेशा चेन्नई बेंगलोर पर भारी नजर आई है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इससे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा रावत भाई का काम मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। ये लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सेशन में काफी प्रॉफिट करा रहे हैं। इनके टॉस और मैच तो पास जा ही रहे हैं, इसी के साथ इनके सेशन भी 99% एक्यूरेट जाते हैं। अगर आप लॉक में चल रहे हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। जो भी लोग इनसे जुड़े हैं काफी ज्यादा प्रॉफिट लिए हुए बैठे हैं, आपको मौका है एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करने का। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस। वहीं मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स में खेलते हुए दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोंगरोड, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक और वाइने पार्नेल। वहीं बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हैं वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, विजय कुमार और मोहम्मद सिराज। बेंगलोर की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो हमें चेन्नई की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ड्वेन कानवे और ऋतुराज गायकवाड। वहीं मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स में खेलते हुए दिखेंगे अंजिक रहाणे, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और मिचेल सेंटनर। वहीं बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हैं महेश सिन्हा, आकाश सिंह और तुषार देश पांडे। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप इन फॉर्म दिख रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक चेन्नई का टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ आया है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज आरसीबी के पास ये रहने वाला है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, लेकिन एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर चेन्नई की बैटिंग डेप्थ को बढ़ाते हैं और काफी मजबूत करते हैं, तो इन दोनों के बीच हमें एक हाई स्कोरिंग जैकपॉट और इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु का होम ग्राउंड है। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर बड़े बड़े शॉट देखने को ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर पेस बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स लगभग दोनों ही बराबर विकेट चटकाते हैं। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 165 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 145 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 263 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 48 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेस 213 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 106 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग या बॉलिंग चूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं पिच के एवरेज स्कोर्स की, जिसे आप अपनी भाषा में सेशंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के 6 ओवर का एवरेज स्कोर रहता है 50 रन, वहीं सेकंड इनिंग के 6 ओवर का एवरेज स्कोर 52 रन रहता है। तो यहाँ पर सेशन 48-49 के आसपास आता है, आप दोनों ही इनिंग में पहले 6 ओवर का सेशन यस कर सकते हैं। वहीं अगर 10 ओवर के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग का 76 है, वहीं सेकंड इनिंग का 88 है। वहीं 15 ओवर का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 121 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 रन है। वहीं अगर 20 ओवर के ऑल ओवर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का 179 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का 185 रन है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेशन यस या नो कर सकते हैं और इसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है कि कौन सा सेशन यस रहने वाला है, कौन सा सेशन नो रहने वाला है। इसी के साथ आपको टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट और काफी सारी आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर चेन्नई के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फाइनल अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टॉस मैच और सेशन की कंफर्म रिपोर्ट लेने के लिए स्क्रीन पर दिखने नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।